reaction of iron with steam that is forming Fe3O4 and hydrogen gas. CaCO3 that is breaking into CaO and CO2. तो जो iron भैया हैं that is more reactive. तो वो क्या करता है? That displaces copper and forms FeSO4 which is green in color plus copper. Hello my lovely protons army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा. आज के सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करने वाले हैं, मोस्टली फ्रॉम यू नो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो ये सेशन को टिल द एंड ज़रूर देखना, और अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. ओके लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड अहेड विद टुडेज़ सेशन विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन विच इज़ डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर. सो कोई भी चीज़ कल के लिए पोस्टपोन मत करना, क्योंकि कल फिर आता नहीं है, थिंग्स गेट यू नो पाइल्ड अप. चलो तो पहला आपका इक्वेशन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, दैट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है दिस इज योर वाइट कलर का कंपाउंड, ठीक है. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है मेटल का एसिड के साथ जो एक सॉल्ट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बन रही है. हाइड्रोजन गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली मेटल इफ इट्स डिफरेंट द एसिड इज डिफरेंट, सॉल्ट फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, ओके. बट लेकिन यहाँ पे जो गैस कॉन्स्टेंटली एमिट होगा दैट विल बी हाइड्रोजन गैस, ठीक है. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम दैट इज फॉर्मिंग Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस. चलो नाउ बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. फर्स्ट आपका रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, चीज़ें कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सब्सटेंसेज हैं ए प्लस बी दैट इज गिविंग ए बी, ठीक है. सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है दैट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. दो रिएक्टेंट्स हैं मिलके सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो द गेट टुगेदर, है ना. एक साथ मिलके मजे करते हैं लोग, सो बेसिकली देयर थिंग्स आर कंबाइनिंग ओवर ह्योर एंड दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है. इन द केस ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अगेन कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वो. सो इन द केस ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन help you understand it, taking example of an hypothetical equation, कि मेरे पास single reactant है that is breaking down into simpler products, ठीक है. This is actually not the one. So for example, यहाँ पर मैं example add on कर देती हूँ. CaCO3 that is breaking into CaO and CO2, ठीक है. तो सिंगल रिएक्टेंट दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कंबर्शन रिएक्शन. कंबर्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है मीथेन का, ठीक है. मीथेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, प्लस इसमें हीट एंड लाइट इज ऑल्सो गिवन आउट. तो ये आपका कंबर्शन रिएक्शन है, ठीक है. एक सेकेंड, ये दिस इज नॉट बैलेंस, ठीक है. सो हाइड्रोजन इज 4, वहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, ठीक है. दिस इज योर कंबर्शन रिएक्शन. नाउ अगेन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, व्हेन वी प्रोसीड अहेड इन दिस आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. नेक्स्ट आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर मैं फॉर्मेट लिखूँ ए प्लस बी सी दैट फॉर्म्स ए सी प्लस बी, ठीक है. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन्स आर्मी कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है. अब रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इजी सा निमोनिक भी मैंने दिया हुआ है, मैंने वन शॉट लिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस का. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वो पर्टिकुलर चैनल पक्का से देख लेना, ठीक है. तो जैसे कि अगर मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लूं आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का होता है, ओके. अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो जो आयरन भैया हैं दैट इज मोर रिएक्टिव. तो वो क्या करता है, that displaces copper and forms FeSO4 which is green in color plus copper,
ठीक है, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आफ्टर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू हैव योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनिशियली आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे जो अपने आयन्स इंटरचेंज करेंगे और दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जनरली इस फॉर्मेट में जब भी आप कोई कंपाउंड लिखते हो एसीटेट और ऑक्सलेट के अलावा, जनरली हम जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे पहले लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट। तो ये वाला सेकेंड वाले के एनायन के साथ मिलकर ए डी बनाएगा और सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के एनायन के साथ मिलके सी भी बनाएगा। तो इनिशियली आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, उन्होंने आयन्स इंटरचेंज किया तो दो न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू Ag प्लस या NO3 माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये Ag जो है Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, Na प्लस NO3 के साथ रिएक्ट करके NaNO3 बनाएगा। AgCl इज योर PPT हियर व्हिच इज वाइट इन कलर। ठीक है, अब इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल आपका रिएक्शन है एसिड और बेस का, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो NaOH और HCl का आपने एक्वा सोल्यूशन लिया, दैट विल फॉर्म NaCl एंड वाटर, दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सिंपल आपका ग्लिम्स था। नाउ NCERT में ये जो सेट ऑफ रिएक्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट आपका इसमें रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म। इसमें अगर आप पानी डालोगे विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत मात्रा में हीट भी निकलती है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इज गिवन आउट। तो मैंने आपको ऐसी ट्रिक भी बताई थी, यू कैन रिमेंबर इट एज एग्जिट, तो कोई भी चीज़ बाहर जा रही है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली योर रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। नाउ ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया पानी में, जब आपने इसे मिक्सअप किया, तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपने CaOH होल ट्वाइस का सोल्यूशन तैयार किया, उस वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिस वजह से जो वॉल्स पे शाइनी अपीयरेंस आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अलावा ये बनाता है वाटर। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, सो दिस लाइक द मिल्कीनेस डिसअपियर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो प्रोटॉन्स आर मी, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, सो वी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज रेडिश ब्राउन गैस, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, और ऑक्सीजन गैस दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबर्शन। ठीक है, सो व्हेन यू आर हीटिंग इट, व्हाट इज इट फॉर्मिंग, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। सिंगल रिएक्टेंट है, सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका इन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है हीटिंग ऑफ FeSO4। सो बेसिकली आपका जो FeSO4.7H2O है, इसे हम कहते हैं ग्रीन विट्रियॉल। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रीन विट्रियॉल। जब आप इसको इनिशियली हीट करते हो ना, तो इस पर आप देख रहे हो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। इनिशियली जब आप हीट करते हो तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। ठीक है, सो इनिशियली व्हेन यू आर हीटिंग इट, इट फॉर्म्स FeSO4+7H2O। फर्दर हीट करोगे तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका है सॉलिड, दिस इज ऑल्सो योर सॉलिड, और आपके दो गैसेज यहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं विच स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हीट के प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, सो दिस इज योर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रखोगे, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, तो वो टूट जाता है सिल्वर मेटल में विच इज ग्रेइश इन कलर, और क्लोरीन गैस विच इज ग्रीनिश येल्लो। ठीक है, विच इज ग्रीनिश येल्लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिल्वर ब्रोमाइड, सिमिलर सेम चीज है, सनलाइट में रखोगे टूट जाता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो दिस इज योर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज यहाँ पे मिस आउट हो गई, वो मेंशन कर देती हूँ मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो। ठीक है, तो ये कैसे टूटता है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि भाई अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सल्यूशन में डिप करोगे, कॉपर सल्फेट सल्यूशन इज ब्लू इन कलर। ठीक है, सो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म FeSO4, FeSO4 इज ग्रीन इन कलर प्लस कॉपर। ठीक है, सो दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराओगे, इनिशियली ब्लू कलर का है, जिंक सल्फेट बनाएगा कलरलेस एंड कॉपर। लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे, लेड क्लोराइड और कॉपर बनाएगा। तो अगेन यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रख के डिस्प्लेसमेंट कराना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको रिएक्शन दिया ही हुआ है तो भाई ऐसे कैसे जाने दे, है ना, हम तो रिएक्शन करा के ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करके रिएक्शन कराना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन लेना जरूरी है। मैंने जब वन शॉट लिया था उसमें भी मैंने ये चीज मेंशन करी थी। तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, इजीली मूवमेंट ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। सो यहां पे हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है किसका, लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। सो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड व्हिच इज येलो इन कलर। ठीक है, दैट इज द प्रेसिपिटेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, वो आपका क्या है, इट विल एक्चुअली रिमेन एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज नाउ बैलेंस्ड। ओके, एक और एग्जांपल लिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज वाइट इन कलर, एंड सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। प्रेसिपिटेट को आप डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हो। हम डाउनवर्ड एरो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, तो वो बीकर के नीचे सेटल डाउन होने लगता है। दैट इज द रीजन वी यूज डाउनवर्ड एरो। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है एक साथ। फर्स्ट आपका रिएक्शन है कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। कॉपर ऑक्साइड से अगर मुझे वापस कॉपर चाहिए तो इसका रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करा के इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कर दूं तो कॉपर और वाटर मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन से वाटर में जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूजन होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन कराएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तभी तो वो H2O में बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है ताकि दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो सके। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहां पे, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड का बेसिकली यहां पे रिडक्शन करा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर आउट हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो माई इंस्टाग्राम हैंडल इज Nikita_08SAHU। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा। मुझे कॉमेंट में जरूर जरूर बताना, आपके लिए एक होमवर्क है। सो मुझे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिख के बताना कॉमेंट सेक्शन में। आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव, एंड द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। See you very, very soon with yet another amazing session. Bye-bye. Happy learning and take care.